हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है 28 मार्च और आप लोग को पता है कल क्या है? कल है होली। हाँ जी, होली है। तो आज मैं आप लोग के लिए खास वीडियो लेके आई हूँ। वैसे तो खास क्या, बट मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर कर देना चाहिए। तो आज मैं, मतलब होता है ना, होली का त्यौहार होता है और हर, मतलब कोई गुजिया ना बनाए ऐसा हो सकता है, तो हम भी गुजिया बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि छोटी सी ही रेसिपी है, मतलब गुजिया बनाना इजी है, काफ़ी लोगों के लिए इजी नहीं है। जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए तो इजी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए इजी है। तो मैंने आज मतलब गुजिया यहाँ पे हम बना रहे हैं, मैं भाभी हम लोग बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि अपनी एक वीडियो बना देनी चाहिए, आप लोग को बता देना चाहिए कि मैं किस तरीके से गुजिया बनाती हूँ। तो बस आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में यही दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम होली की तैयारियाँ कर रहे हैं। भाई चलिए, अब मैं आपको सीधा दिखाती हूँ किस तरीके से हम गुजिया बनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो आइए देखिए आप लोग किस तरीके से मैं होली की मतलब तैयारियाँ कर रही हूँ, गुजिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चलो ज़्यादा इंट्रो नहीं खींचती हूँ और सीधा चलती हूँ अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम गुजिया की प्रिपरेशन तैयारियाँ कर रहे हैं। सो ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट कर लिए हैं, रोस्ट करने का मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है नारियल, इसे भी मैंने रोस्ट कर लिया है, थोड़ा सा मतलब घी में पका लिया है। थोड़ी सी किशमिश रखी हुई है, और यहाँ पे मैं जो सूजी है ना, उसे ऐसे ही मतलब बिना घी में, मतलब होता है ना खड़ी रोस्ट करें, जब तक इसका गोल्डन शेड ना आ जाए, गोल्डन कलर ना आ जाए, तब तक मैं इसे रोस्ट करती रहूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मावा, मतलब वो मैं अलग से बनाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बट किस तरीके से हम मतलब गुजिया की तैयारी कर रहे हैं, गुजिया किस तरीके से मैं बनाती हूँ वो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाह रही हूँ। सूजी हमारी रोस्ट हो चुकी है, मैंने इसे निकाल दिया है, और अभी मैंने यहाँ पे मतलब यही कढ़ाई साफ़ कर ली है। सो कढ़ाई साफ़ कर ली है, तो मैं लाई थी, ये देख सकते हैं आप लोग, पाव भर मावा, क्योंकि महंगा बहुत है इसलिए मैं पाव भर लाई हूँ। मावा को इसमें ऐड कर दिया है और इसे घुमाते जाएंगे लो फ्लेम पे, ताकि जो मावा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अभी मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी किशमिश, किशमिश को मैं इसमें अच्छे से मिला लूंगी। आप चाहें तो किशमिश को कट कर सकते हैं, बट मैंने वैसे ही डाला है। और थोड़ा सा इसे फ्राई करूंगी, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जो ड्राई फ्रूट मैंने कट किए हुए थे, यानी कि रोस्टेड ड्राई फ्रूट, ये भी अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। ड्राई फ्रूट के बाद बारी आती है नारियल की, इसे भी मैं इसमें अच्छे से डाल दूंगी। फ्लेम हमें लो ही पे रखना है। और अब बारी आती है इसमें चीनी मिलाने की, तो मैं यहाँ पे, आप चाहें तो बूरा मिला सकते हैं, बट मेरे पास बूरा अवेलेबल नहीं था, तो मैंने चीनी ही इसमें मिलानी चाहिए, क्योंकि चीनी इसमें गल जाएगी, क्योंकि हमारा जो मावा है वो ऑलरेडी बहुत गर्म है। तो एक कटोरी के आसपास मैं चीनी लूँगी, एक मुझे कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा और चीनी लूँगी इसमें, ताकि जो मिठास है वो बनी रहे गुजिया की। तो मैंने 1.5 कटोरी चीनी ले ली है, और इसे भी मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी, ताकि जो हमारी चीनी है ये गल जाए। तो ज़्यादातर लोग इसमें बूरा ऐड करते हैं, बट मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ बूरा अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं चीनी को इसमें ऐड कर रही हूँ। तो चलो इसे मैं अच्छे से मिलाती हूँ। तो चीनी भी हमारी ऑलरेडी पूरी मतलब इसमें ऐड हो चुकी है, मिक्स यानी कि मिल चुकी है। अब बारी आती है इसमें सूजी ऐड करने की, जो कि मैंने रोस्ट की थी, तो इसमें मैं सूजी ऐड करूँगी। काली सूजी मैंने डाल दी है, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँ। ये देखो, अभी भी मैंने लो फ्लेम पे गैस रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं किया हुआ है, ताकि हमारा जो मिक्सर है, हमारा जो पेस्ट है वो गले ना।
आप लोग सोचेंगे मैंने सूजी अच्छे से पहले फ्राई नहीं की, तो मतलब रोस्ट नहीं की, तो उसका ये है ना, कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसमें ना जो हमारी सूजी है ये इस मावे में मतलब ऑलरेडी है जो फूल जाती है, तो इस वजह से मैंने पहले से अलग तरीके से नहीं किया। तो इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। पाँच से दस मिनट तक मैं इसे ऐसे ही मिक्स करूँगी, उसके बाद इसे बंद करके कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने आधे घंटे से ऊपर ही ये डो लगा दिया था ताकि जो हमारा ये डो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। बस थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से मैश करूँगी, मतलब एक बार गूँधूँगी, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे गुजिया बनाना। तो अभी मैं फिर इसे ढक देती हूँ, 10 मिनट के बाद मैं फिर इसे देखूँगी। चलूँगी 10 मिनट तक इसे और फ्राई करना है, उसके बाद मैं इसे बंद करके जब ये ठंडा हो जाए फिर हम जो मतलब प्रोसेस होती है गुजिया बनाने की वो स्टार्ट करेंगे। तो चलो हमारा ऑलरेडी आप ये देख सकते हैं रेडी हो चुका है, बस 5-10 मिनट और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद हम बनाते हैं गुजिया, तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर पे और मैं देखना चाह रही हूँ ये हुआ ही नहीं हुआ। सो एक घंटे से ऊपर हो गया है, एक घंटे क्या 2 घंटे होने को आ गए। देखो बहुत अच्छी इसकी लोई बन के रेडी हो रही है, ये देखो बहुत अच्छा मतलब होता है ना सॉफ्ट सा हो गया मैदा हमारा। पहले आपने देखा होगा कितना हार्ड था, पहले ये काफ़ी हार्ड था, मैंने वीडियो नहीं बनाई जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा और मतलब ऐसे मतलब होता है ना, इसे थोड़ा सा ऐसे मिश करूँगी और इसे सॉफ्ट सा बना दूँगी। मे भी आपको मेरा कैमरा हिलता हुआ दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ट्राईपॉड अभी नहीं लगाया है, खुद हाथ से पकड़ के कर रही, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा और मिश करूँगी ताकि जो हमारा ये डो है ये अच्छा हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है ये वैसे भी, बट फिर भी 10-10:30 के आसपास मैंने इसे नहीं 11 बजे के आसपास मैंने इसे गूँथा था, और अभी जो टाइम हो रहा है 1:30 बज गई है, तो मतलब लगा सकते हैं आप 2-2.5 घंटे से ऊपर 3 घंटे मान के चल सकते हैं, 3 घंटे हो गए। तो अभी हमने छोटी छोटी ऐसी लोई आधा पार्ट निकाल दिया है उसका, उसकी छोटी छोटी ऐसी लोई बनानी है। जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं ना, तो वैसे ही हमने लोई बनानी है, मतलब सॉरी रोटी रोटी की लोई बनाते हैं, आटे की लोई, रोटी के लिए लोई जो निकालते हैं। लोई हमने आधे आटे की बना ली है, आधा हमने ये रखा हुआ है ढक के रखा हुआ है, और यहाँ पे ये हमने जैसे हम रोटी नहीं बनाते हैं, रोटी से थोड़ा छोटा साइज का बना के पहले हम इसको बना के रख देंगे, उसके बाद जो ये होता है ना गुजिये का छाप उसमें उसे ऐड करेंगे। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ, पहले हम थोड़ा सा इसे बेल लेते हैं। बेलने वाले हमारे साथ ही है हलवाई गढ़ वाली हलवाई। तो देख सकते हैं आप लोग रोटी से थोड़ा सा ज्यादा रोटी थोड़ी बड़ी बनती है, तो रोटी से थोड़ा सा छोटी बनानी है, जैसे पूरियां बनती हैं उसी के बराबर की बनानी है। तो पहले हम जितने हमने ये बना रखे हैं ये गोली बना रखे हैं, इसको हम थोड़ा सा बना के रोटी की तरह, फिर हम इन छाप में इन्हें ऐड करेंगे। वो डाल दिया है, और इसमें हम 1 चम्मच जो हमने ये बनाया हुआ है सूजी का वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद आप लोग ये कटोरी में आप लोगों ने पानी लेना है और इसके चारों तरफ से लगा देना है, जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से लगा लेना है, और फिर आप लोगों ने इसे बंद कर लेना है। आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका ये सूजी है उससे ज्यादा नहीं डालना है आपने, नहीं तो आपकी गुजिया फट सकती है। और फिर आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा मतलब मैदा है उसे निकाल लेना है, और फिर आप लोग खोल के देख सकते हैं हमारी जो गुदिया हमारी जो गुजिया है वो रेडी हो गई है। तो इसे आराम से निकालना है ताकि ये फटे ना, और हो गया है। और यहाँ पे हमने 5 से 6 गुजिया आप देख सकते हैं हमने रेडी कर लिया है,
और अभी हमें थोड़ा सा ये और बनाने हैं, गोली भी यहाँ पे है, तो चलो मैं जब पूरे गुजिया बन जाए तो आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मैं ऐसे सूट नहीं कर पाऊंगी, हल्का हल्का मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि किस तरीके से हम इसे बना रहे हैं। जो हम निकाल रहे हैं तो वो ये है, आप लोग सोचेंगे इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, बट हम इसका भी यूज करते हैं, हम इसकी दोबारा से लोई बना रहे हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमने दोबारा से इसकी लोई बना दी और हम इसे फिर यूज कर रहे हैं। तो चलो हम थोड़ा सा और बना लेते हैं। गुजिया ऑलमोस्ट आधा बन चुकी है, अभी काफी ज्यादा बनानी और है। इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं डो अभी हमारा बहुत बचा हुआ है, तो अभी हमने इसे ढक कर रखा है ताकि इस पर जो पपड़ी होती है ना, पपड़ी ना बन जाए, इस वजह से अभी नहीं बना रहे हैं। पहले हम इसे मतलब पूरा जो छाप है इसे छाप लेते हैं, मतलब गुजिया का जो डिजाइन है उसे बना के रख लेते हैं, उसके बाद हम इसे लास्ट में तलेंगे, क्योंकि अगर अभी हम तलेंगे तो तेल ज्यादा गर्म रहता है और फिर गर्म ठंडा हो जाएगा तेल, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो इस वजह से हम पहले इसको पूरा बना लेते हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक हम ये सारा बना लें। सो यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए हमारे साथ दो और पार्टनर आ गए हैं, ये और एक ये, दोनों की नींद खुल गई है और ऑलमोस्ट हमारी जो गुजिया हैं बनके रेडी हो गई है। अब मैं इन्हें तलने के लिए जा रही हूँ, तो चलो चलते हैं, इनको तलते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके ये गुजिया डालूंगी जो हमने बनाई हुई है, तो देखते हैं कैसी बनती है। लो फ्लेम पे हमने तेल गरम करने को रखा था, ज्यादा फुल नहीं किया था, क्योंकि अगर हम फुल करते तो मे बी हमारा जो तेल है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, सॉरी ज्यादा गर्म हो जाता और हमारी जो गुजिया है वो जल जाती। इस वजह से मैं हल्की हल्की मतलब एक एक करके डालूंगी, बस प्रे ये कर रही हूँ कोई फूट ना जाए इसके, क्योंकि अगर फूट गया तो सारा तेल बर्बाद हो जाएगा। मैं एक एक करके सबको डालूंगी। तेल हमने थोड़ा सा इसमें ज्यादा डाल दिया है, तो इस वजह से हमें थोड़ा ज्यादा गुजिया इसमें डालनी पड़ेगी। एक चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि जो भी गुजिया हमारी टूट गई होती है ना, उसे हमें पहले नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो तेल खराब कर देता है। तो आधा से ज्यादा इसमें डाल दी है मैंने, आप लोग देख ही सकते हो। तुम आओ पठान पलियो। और हमने इसे लाइट लाइट गोल्डन होने तक इसे पकाना है, ठीक है? अभी तो इसे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि तेल भी हमारा उतना ज्यादा गर्म नहीं है। डर है ना, एक साइड हमारे पक चुके हैं, एक साइड मतलब पके क्या, एक साइड थोड़ा सा आपको लग रहा होगा हल्के लाइट गोल्डन हो रहे हैं। सो गाइस गुजिया हमारी रेडी हो चुकी है, कुछ गुजिया तो मैंने बना लिए, कुछ अभी यहाँ पे तलने को डाले हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना इसके लिए, इस वजह से थोड़ा ये तलने के लिए रखे हुए हैं। सो चलो पहले मैं ये सारी गुजिया बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ किस तरीके की हमारी गुजिया बनी है। ओके, तो फाइनली गाइज हमने अपने जो है क्या बोलते हैं ये देखिए गुजिया बना लिए हैं, और गुजिया हमने रखे हैं एक टोकरी में, हमारे यहाँ ऐसी टोकरी में, मतलब जो भी जैसे पुड़िया पकौड़िया हो या फिर कुछ भी चीजें हो, आटे बनते हैं यहाँ पे, रोटाना बनते हैं, तो जो भी चीज बनता है तो इसी में रखते हैं, जिस वजह से हमने इसमें रखा है। तो इतने गुजिया हमारी बनी हुई है, और अभी मैं बना रही हूँ मटर, यानी की मट्ठी बोलते हैं जिसको, हमारे यहाँ तो खस्ता बोलते हैं, बट मटर ये देखिए। तो अभी मैं बना रही हूँ इसको, क्योंकि मैदा थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने उसमें थोड़ा नमक मिर्च वगैरह मिला के
ऐसा बना दिया। अभी थोड़ा इसमें चढ़ रखा है, इसमें चढ़ रखा है। और मम्मी बस मैंने होली की तैयारी पूरी कर ली है गाइस अपनी। अब मिलती हूँ कल आपको होली के ब्लॉग में। और यहाँ पे ना मौसम अभी जस्ट अभी सुबह से तो यहाँ पे ठीक था, एकदम से धूप था, बट अभी अभी यहाँ पे एकदम से बारिश आ गई है। तो देखते हैं कल होली खेल भी पाते हैं या फिर अगर बारिश आएगी तो मैं तो बिल्कुल नहीं खेलूंगी, क्योंकि मेरी अभी अभी तबीयत थोड़ा ठीक हुई है। मुझे फीवर हुआ था तो वो थोड़ा अभी ठीक हुई है, लेकिन अगर बारिश नहीं आती है तो होली खेलेंगे अपनी मजेदार होली जो मैं पहले खेलती थी, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले जब मैं होली खेलती थी वैसी होली खेलूंगी। सो चलो मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। मेरी ओर से आप सभी लोगों को होली की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं गाइस। हाँ मैं आपको यही बोलूंगी कि होली पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कलर लगा लें जिससे आपके फेस को हार्म हो जाए या फिर आपकी बॉडी को इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी चीजें आप लोग ना लगाएं। नॉर्मली अच्छे तरीके से होली खेलें ताकि आपको भी कोई नुकसान ना हो और दूसरे बंदे को भी कोई नुकसान ना हो। तो चलो मिलती हूँ गाइस आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।